हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सनी अम्बावता ब्लॉग। तो गाइस आज यहाँ से निकल लिए हैं, अब निकल रहे हैं, ये रूम छोड़ दिया है। चलो आपको दिखाते हैं, गाड़ी अपनी नीचे चल रही है, निकलते हैं आज दिल्ली के लिए। 5-6 घंटे में अपने घर पहुँच जाएंगे। ये खड़ी अपनी गाड़ी, बैठते हैं, निकलते हैं, अब पहुंच जाएंगे शाम तक। आज 3-4 दिन हो गए। हाँ चलो थंबनेल के लिए फोटो भी ले ले मेरा। चलो आ जा, इधर बैठने की जगह नहीं है गाइस, नाली है ना, तो ये स्टार्ट हो गई है गाड़ी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ी बीच में ले जब भी तो बैठूंगा। अब बैठते हैं, 70-80 किलोमीटर ऐसा जंगल वाला एरिया है बिल्कुल, उसके बाद ही कोई दुकान उकान मिलेगी, फिर वहीं कुछ खाने पीने का दिखाएंगे। आप बैठे चले, चलो भाई चलते। तो गाइस ये देखो, ये दो बंदे थे, इन्होंने जिमनी को नीचे ही उतार दिया, नदी के पास ही ले गए, वहीं आराम से बना रहे थे। ये रास्ते में ही मिल गए थे, साइड से ना कच्चा रास्ता था, वहाँ से ये नीचे जाके इन्होंने लगा दिया आराम से। ये देखो पानी में भी घुसा दी। तो गाइस अब आ चुके हैं नीचे, ये इधर जो राइट में रास्ता जा रहा है पुल पे से, ये तो जाएगा लेंस डाउन, और हमें जाना है सीधा, वो बोर्ड पे लिख रहा है कि मुरादाबाद, तो हमें अपना वही मेरठ मुरादाबाद वाला। और ये बीच में जो है हल्का सा पुल है, इसके राइट में रोड जो कट रहा है वो लेंस डाउन के लिए और सीधा मुरादाबाद के लिए। तो चलते हैं, चले अरुण भाई, ये कुछ लेना है यहाँ से? नहीं नहीं चलो, आगे ही लेंगे, आगे लेंगे। यहाँ तो कुछ ऐसी मार्केट अभी है नहीं, पर ये है कि जो हमारा जंगल वाला रास्ता था वो सारा हम ऊपर से 70-80 किलोमीटर तक पहुंचूंगा, आ गए हम। तो अब चलते हैं हम आगे मुरादाबाद मेरठ की तरफ, हमें जाना है ग्रेटर नोएडा, फिर वहाँ मनीष भाई को छोड़ेंगे, फिर जाएंगे अपने घर दिल्ली। गाइस जैसा कि वहाँ से आ गए हैं, थोड़ा गाड़ी लगा दिए और उतर गए हैं पैर वैर सीधे करने के लिए। और ये यहाँ पे बिजनौर घाट है बहुत बड़ा, तो गंगा मैया है, जैसे कि दर्शन भी कर लें। वहाँ लिखा हुआ है देखो, जय गंगा मैया, जय माँ गंगे, बैराज घाट है बिजनौर का। और यहाँ पे कुछ ये फल वल वाले भी खड़े हैं, चाट वाट लगवा लेंगे, चाट भी लगवा लें कुछ? हाँ लगवा है ना, हाँ कुछ चाट वाट लगवा लेते हैं, थोड़ा पाम सीधे भी हो जाएंगे। ये देखो गंगा जी भी है और अपना पूरा भर के चल रही है यहाँ पे। जय बजरंग बली, शनिवार है, बजरंग बली के भी दर्शन हो गए। ये देखो बहुत बड़ा घाट है, गंगा मैया के भी दर्शन हो गए। ये बिजनौर का घाट है बहुत बड़ा। ये खड़ी अपनी गाड़ी, मनीष तो अंदर ही है। देखो गाइज मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये बैठा मनीष, अब इसको मैं बुलाता हूँ कि नीचे उतर, गंगा पे भी आके ऐसे। अरे भाई गंगा जी के दर्शन तो कर लो, गंगा मैया के। तुम तो गाड़ी में ही बैठे हो यार, दर्शन भी ना कर रहा हूँ। अरे नीचे तो उतर जा, उतरेंगे उतरेंगे, चलो गंगा माँ के दर्शन कर ले, नीचे तो उतर, यहाँ भी ना उतर रहा यार। तो ये जो चेक पोस्ट है घाट पे, पता नहीं तो शर्माता या आलसी है, समझ नहीं आ रही। ये देख रहे हो आप चेक पोस्ट, यहाँ पे अपना जिस दिन हम गए थे हमको रोका था, चेकिंग करी थी कि गाड़ी में दारू वारू तो नहीं ले जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें अपना ये दिखाया। मैंने कहा भाई मैं तो खाटू श्याम का भक्त हूँ, मैं दारू वारू पीता ही नहीं हूँ। ये देखो ये मेरे पास ही आ गए बिल्कुल। हाँ भाई तू क्या बेच रहा है? भी आ रहा है सारा का बाकी। अरे अरे बढ़िया, देखो जी एक बंदा हमारा मिल गया है, गरीब आदमी तो क्या देख रहा है, खाटू श्याम से है तू? मैं ना खाटू श्याम वृंदावन वाला जी, तीनों जी का। अच्छा घूम के ये तो दर्शन कर का आया हूं बेचारा यार। मछली तो ले लो, मछली का दाना, मछली बहुत है किंग है यहां को, इधर इसमें कहो मछली होएंगी यार तू हमें ले लो बहुत है। हैं मैं केड़ा लिया ले लो बजरंग बली को, देव कौन लटक गो उस्ताद। ज्यादा लंबा मत कर,
ये शिफ्ट के हैंडल पे लटक दो। मछली का दौड़ा ले हमें, इन्हें खवाए। ये बंदर भी खाते हैं, इन्हें नहीं देते हैं, इन्हें खा जाएंगे। अट्टे तो है ये। अच्छा, ये तो सब खाते हैं। ये तो ककड़ी मार रहे हैं उस्ताद, ये तो ककड़ी मांग रहे। देखो गाइस, देखो गाड़ी पे कभी लॉक पे लटक रहे हैं मछली का दाना, कभी शीशे पे। चलो भाई, गंगा मैया के दर्शन हो गए, कुछ सलाद वलाद खाते हैं, ककड़ी वकड़ी फ्रूट चाट, फिर चलते हैं। तो गाइस, जैसे जा रहे थे, ये ट्रक जो है बैक कर रहा है, आगे ले रहा है, यहाँ फंस गया, पता नहीं क्या हो गया, आधा घंटा हो गया। अब ये दूसरा टेम्पो आया, इसको टोचन कर रहा है, ये देखो। और आधे घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, रोड पूरा ब्लॉक ही हो गया है, पब्लिक सब खड़ी है, सब देख रहे हैं, ये भी बैठे हैं इधर। अब पता नहीं, आधा घंटा तो लग गया ना, आधा घंटा तो फटेफट हो गया, आधा तो लग गया। सब बैठे हैं यहाँ पे, और अब पता नहीं ये खींचेगा, इसको क्या करेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इसने ऐसे कैसे तार दिया, इसे दिखा ना क्या? यार क्या चक्कर है इसका? यार रोड पे मोड़ तो बहुत जगह है, इनके पेट्रोल पंप पे मोड़ ले तो देखियो, इसने तो रोड ही ब्लॉक ही कर दिया। तो भाई ये तो फंसा दिए इसने, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा कैसे। चलो अब जो लगना टाइम वो तो लगना। ये खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, ये टूट गया, टूट गई चैन, टूट गई जो वो थी ना, वहीं हिल रहा है, वो फंस गया नाली में, वहीं गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है भाई मनीष, वहीं हिल रहा, गड़गड़ कर रहा है, टूट गया टोचा। अरे यू भी। तो गाइज, आ चुके हैं अपने वहीं ग्रेटर नोएडा, 3-4 दिन में आज फिर आ गए हैं, अभी पहुँचे हैं। तो ये लगा दिए गाड़ी पार्किंग में, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वही मार्केट है, देखो वही मार्केट है जो छोड़ के गए थे। ये रहा अपना करीगरी, यहाँ से कुछ भाई पैक कराने गए हैं और कुछ वैसे लेने गए हैं खाने के लिए हल्का फुल्का। और ये रही अपनी वही बिल्डिंग, 10वीं मंजिल पे मिक्सन विलासा। 3-4 दिन में आए हैं तो वही मार्केट देख के भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे अपने इधर तो है नहीं, वही परचूने की दुकान होती है, ये मार्केट ऐसा है। यहाँ पे सारी दुकान है, एक लाइन से 10-15 दुकान है, केमिस्ट वेमिस्ट जो भी, मतलब एक अच्छी सोसाइटी के पास होती है। और काफ़ी गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल बढ़िया एकदम, जो है सब आते हैं मार्केट में। तो हम भी आ गए, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, पैर वैर सीधे करेंगे, फिर खाना तो बाद में खाएंगे, अभी फ्लैट पर जाके थोड़ा आराम करेंगे, कमर सीधी विधी। तो ये अपना वही मिक्सन ट्विंस वाली बिल्डिंग है जहाँ हमने उस दिन पनीर टिक्का खाया था, पहले ब्लॉग में दिखाया था। तो भाई ग्रेटर नोएडा की भी एक अलग ही लाइफ है, ना प्रदूषण है ना कुछ है, बिल्कुल बढ़िया। वहाँ तो जहाँ हम थे वहाँ तो थी वो अलग ही एकदम बिल्कुल लाइफ, वहाँ पंखे में थे, आज थोड़ा एसी में हो जाएगा मामला, बस यही है। वहाँ तो हमें एक दिन भी ना कोई गर्मी, ना एसी, ना कुछ, जड़ी बूटियों की हवा ली, अच्छा खाना लिया घर का शुद्ध, दाल सब्जी। नॉन वेज से तो अपना कोई मतलब ही नहीं है, वेज खाना खाते हैं हम तो। तो अब अपना हम कुछ लाते हैं मार्केट से और फिर चलते हैं अपने मिक्सन विलासा में। चलो गाइस फिर दिखाते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं फ्लैट पे अपना, आराम से रेस्ट करके अब खाना खाएंगे। ये वही मार्केट है करीगरी वाली, चलते हैं अब लगवाएंगे वेज खाना, आपको दिखाते हैं। आज भाई, अच्छा बात कर रहा, ठीक है बात करके आ जा। ये देखो, ये आ गया करीगरी जहाँ हम बैठ के उस दिन यहाँ पे पनीर टिक्का और रेड बुल पी रहे थे। ये रहा अपना रेस्टोरेंट। अमित को अमित पंडित जी, राम राम, राधे राधे। कैप्चर करो पंडित जी को। हाँ कर लिए हो गए। दुकान को तो करो तसल्ली, श्री जी की गैलरी है पंडित जी की। चलो ठीक। तो गाइस खाना आ चुका है, ये है बटर चिकन, एक बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, ये कढ़ाई चिकन, और उनके लिए ये दाल, और ये चटनी प्याज सलाद, चपाती, ये चपाती तवा की, जैसी वहाँ खा रहे थे अपने उत्तराखंड में ऐसी यहाँ। और ये आप देखोगे जो मक्खन है और ब्रेड है, ये अमित ओ मनीष भाई के लिए सुबह के लिए नाश्ते के लिए। तो गाइस अब हम ले लेते हैं दाल और रोटी और फिर निकलते हैं घर के लिए।
तो गाइस मैं घर पहुंच गया हूं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों को राम राम।